आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में शानदार शतक जड़ दिया है। रोहित शर्मा 138 गेंदों में 159 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। पिछले मैच में रोहित कुछ खास नहीं कर पाए और 36 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस मैच में रोहित ने अच्छी शुरुआत की और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का 28वां शतक जड़ दिया। रोहित ने अपना शतक 107 गेंदों में पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के और 11 चौके लगाए। आपको बता दें कि रोहित के बल्ले से पिछला वनडे शतक वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में निकला था। तब रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ लीड्स में 103 रनों की पारी खेली थी। विशाखापट्टनम में शतक जड़ते ही रोहित शर्मा ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्य के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा के अब वनडे में 28 शतक हो गए हैं। सनत जयसूर्य ने भी अपने वनडे करियर में 28 शतक लगाए थे। वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में सनत जयसूर्य के साथ अब संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा और सनत जयसूर्य के वनडे इंटरनेशनल में 28-28 शतक हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं। वनडे इंटरनेशनल में सचिन के नाम 49 शतकों का रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।